हेलो स्टूडेंट्स, कैसी है बच्चा पार्टी? क्या हाल चाल? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। वाह क्या बात है, गुड इवनिंग भी, गुड मॉर्निंग भी, गुड नाइट वाला तो नहीं है कोई? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, क्या बात है, क्या बात है। हेलो हेलो ऋतिक, नमस्ते गोपाल, क्या बात है, क्या बात है। अब तो काफी बच्चों से जान पहचान हो गई है, काफी बच्चे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, रोज आते हैं सेशन में। गुड गुड गुड। हेलो सज्जन नैंसी बांसल, यार क्या बात है, ये बड़ा अलग सा नाम रखा, डॉक्टर तो काफी बच्चे रखते हैं, सर्जन, ग्रेट गुड। वाह ये देखो एटीट्यूड जी आगे, गुड नाइट वाले। बेटा कहां से बिलोंग करता है? बांग्लादेश से, गुड नाइट होगी वहां पे। हेलो सौम्या, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके ग्रेट ग्रेट। तो आज हम बच्चे काफी दिनों बाद मिल रहे हैं, कल भारत बंद था जिस वजह से हमारा सेशन हो नहीं पाया। तो आई होप आप बच्चों ने मुझे बहुत मिस किया होगा, मैंने भी बहुत मिस किया हमारे सेशन को। तो कोई बात नहीं, आज हम जो हमारा प्लांट किंगडम है उसे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमने अभी तक एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स कंप्लीट कर लिया है। आई होप बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताओ बच्चों, कितने बच्चों को प्लांट किंगडम अच्छे से समझ आ रहा है, मजा आ रहा है, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। कितने बच्चों को प्लांट किंगडम के साथ डैब वाली इमोजीज लिख के भेजिए जल्दी से, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि बच्चों को प्लांट किंगडम बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा है। हाय रिंकू, हाय शालिनी, क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट। अरे मानसी, मेंटी सेंटी था, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे बेटा अभी अगर जो भी मेंटी है, चाहे जो भी है, अगर अब सेंटी हो जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमारे नीट का रिजल्ट सेंटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी गलतियां करेंगे, अगर हम अभी सीख जाएंगे, तो मैं गारंटी देता हूं नीट में फिर हम कोई भी गलती नहीं करेंगे। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी देखो स्टार्टिंग है, आप चीजों को सीख रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हेलो पुष्पिंदर, हाय शिफा। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम जो हमारा नेक्स्ट ग्रुप है टेरिडोफाइट्स, उसको शुरू करेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो भी बच्चे अभी तक चैनल पर नए हैं, तो जल्दी से स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सारे बच्चों को यूट्यूब पे पता लग जाए कि हम कितने अच्छे से वेदांतु नीट मेड इजी पर पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर हम नीट फोड़ने वाले हैं, पक्का फोड़ने वाले हैं, क्लियर। तो स्टूडेंट्स ये है वेदांतु नीट प्रो सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको 5000 प्लस आवर्स की लाइव टीचिंग, जिसमें आपको 20 प्लस जो टीचर्स हैं वो बहुत ही गुड एक्सपीरियंस के साथ टीच करते हैं। इसमें स्टूडेंट्स आपको इंग्लिश और हिंदी की भी ऑप्शन मिलती है, और साथ में स्टूडेंट्स आप अपनी परफॉर्मेंस जो है उसे भी एनालाइज कर सकते हो। अगर किसी भी बच्चे का कोई भी टॉपिक वीक रहता है, तो माइक्रो कोर्सेज की हेल्प से उसे भी स्ट्रॉन्ग कर सकता है, क्लैरिटी कर सकता है, राइट स्टूडेंट्स। तो देन स्टूडेंट्स, इस सब्सक्रिप्शन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की फुल असेस मिलती है। इसमें आप टीचर्स के साथ लाइव इंटरैक्ट कर सकते हो, डाउट्स ले सकते हो, जो भी आपकी क्वेरीज है वो बिल्कुल टीचर से इंटरैक्ट करके क्लियर कर सकते हो, क्लियर। तो स्टूडेंट ये जो सब्सक्रिप्शन है आप 1 मंथ के लिए, 3 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए एंड 12 मंथ्स के लिए ले सकते हो। इस सब्सक्रिप्शन को लेने के लिए इसका जो लिंक है स्टूडेंट, वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, और वहां पे आप कोड SAG Pro अप्लाई करके बहुत ही ऑसम डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हो, क्लियर स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ये है आज का हमारा शेड्यूल, जिसमें आज के दिन की शुरुआत हुई केमिस्ट्री के साथ। उसके बाद हमने आज बहुत ही ऑसम एंड बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज वाला सेशन, जो जिसमें मैंने बताया कि क्या जो NTA है वो नीट का सिलेबस रिड्यूस करेगा, इसमें हमने बहुत अच्छे से डिस्कशन करी, और उसमें बिल्कुल लेटेस्ट अभी कल ही न्यूज आई है बच्चों के लिए कि जो इस बार बोर्ड्स के एग्जाम है
वो पोस्टपोन नहीं होंगे। सोर्सेज के थ्रू यही इंफॉर्मेशन आ रही है कि जो बोर्ड्स के एग्जाम है वो पोस्टपोन नहीं होंगे, वो वैसे ही फरवरी मार्च में होंगे, बट जो बोर्ड्स के एग्जाम है उसके बीच में स्टूडेंट्स गैप होगा इस बार, ठीक है। मतलब कि आपको हर एग्जाम के आगे बहुत सारी हॉलीडेज मिलने वाली हैं, एंजॉय करने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल गोपाल, 720 टारगेट है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड, क्लैपिंग। ये होनी चाहिए हमारी डिटर्मिनेशन स्पिरिट, ये होनी चाहिए कि हमें बिल्कुल ऊपर टॉप पे हमें एम रखना है अपना, ठीक है। हाय विवेक, हाय गंभीर, चलो जी। सो स्टूडेंट्स करें स्टार्ट, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, आर यू रेडी फॉर द सेशन। जल्दी से हम किस तरह से स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विद डॉक्टर्स हार्ट, जल्दी से भेजिए और हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा बहुत ही ऑसम सेशन टेरिडोफाइट्स। और हर बार की तरह पहले आज हम टेरिडोफाइट्स करेंगे। टेरिडोफाइट्स में स्टूडेंट्स आज हम फर्न्स का लाइफ साइकिल करेंगे। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको फर्न्स का लाइफ साइकिल बहुत डिफिकल्ट लगता है, तो आज मैं आपको बहुत इजी वे में करवाने वाला हूं, आपको चुटकी में याद हो जाना है सारा, आज के सेशन में ही सारा कुछ आपको याद हो जाना है। और उसके बाद हम लास्ट में क्वेश्चंस करेंगे जैसे हम हर बार करते हैं, और जो बच्चे सबसे पहले आंसर करेंगे उन बच्चों का नाम भी लिया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए स्टूडेंट्स हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं टेरिडोफाइट्स। जल्दी से मुझे बताओ चैट बॉक्स में, व्हाट आर टेरिडोफाइट्स? टेरिडोफाइट्स कौन से प्लांट्स को कहा जाता है, बताइए मुझे चैट बॉक्स में, कौन से प्लांट्स को टेरिडोफाइट्स कहा जाता है, या फिर टेरिडोफाइट्स का कॉमन नेम क्या होता है? बताओ, विवेक बताएगा सबसे पहले। फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, ठीक है जी, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, बिल्कुल सही बिल्कुल सही। वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, क्या बात है सौम्या, गुड। फर्न्स, मनीषा ने भी बिल्कुल सही बताया, फर्न्स। तो बेसिकली स्टूडेंट जो टेरिडो वर्ड होता है उसका मतलब ही फर्न्स होता है। अब टेरिडोफाइट्स के अंदर बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, और इसमें आज हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग मैं तुम्हें बात बताऊंगा, तो तुम उसके लिए भी थोड़ा सस्पेंस में रहो। कि अभी देखो लॉकडाउन में एक चीज पक्का हुई है, सबके साथ हुई है, मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे बच्चे, क्या लॉकडाउन में सारे बच्चों ने इस बार रामायण देखी थी? सारे बच्चों ने देखी होगी लॉकडाउन में रामायण, पक्का, आई एम श्योर कि लॉकडाउन में सारे बच्चों ने घर पे आराम से बैठ के पेरेंट्स के साथ रामायण देखी होगी। Yes, सभी ने देखी, ऑलमोस्ट सारों ने आराम से घर पे बैठ के आराम से टाइम पास होता था, है ना। अब स्टूडेंट्स उसमें एक सीन आता है, आपको याद होगा, अगर किसी बच्चे ने नहीं भी देखी तो वो सीन सबको पता है कि एक सीन में हनुमान जी को किसी चीज को लाने के लिए कहा जाता है, और हनुमान जी फिर उस चीज को लाने के लिए पूरा पहाड़ लेकर आते हैं, याद है वो सीन सारे बच्चों को? तो आज मैं उसके बारे में भी आपको बताने वाला हूं कि आखिर वो कौन सा प्लांट था, बेसिकली वो एक प्लांट था और वो कौन सा प्लांट था। इतना मैं आपको अभी बता देता हूं कि वो जो प्लांट था वो टेरिडोफाइट्स में ही आता है, उस प्लांट को स्टूडेंट्स टेरिडोफाइट में रखा गया है। तो वो कौन सा प्लांट है आज हम वो भी पढ़ने वाले हैं, सो बी एक्साइटेड फॉर दैट। तो चलिए अब हम जल्दी से पहले करैक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरिडोफाइट शुरू करते हैं। सो द टेरिडोफाइट्स आर फाउंड इन कूल डैम्प शेडी प्लेसेस, दो सम में फ्लरिश एज वेल इन सैंडी सॉइल कंडीशन। अब देखो स्टूडेंट्स होता क्या है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स को हमने बोला था एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब ब्रायोफाइट्स एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम्स होते हैं क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं कि ब्रायोफाइट्स को वाटर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है फॉर देयर फर्टिलाइजेशन। बट यहां पर भी स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ऐसा नहीं है कि उनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वाटर से इंडिपेंडेंट होती है। टेरिडोफाइट्स को भी फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर के ऊपर डिपेंड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहां पे ये चीज में बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ ब्रायोफाइट्स को करना पड़ता है, नहीं, टेरिडोफाइट्स को भी करना पड़ता है। यूजली जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो कौन सी प्लेसेस पे होते हैं? कूल डैम्प
शेडी या फिर कुछ टेरिडोफाइट्स तो ऐसे से भी होते हैं जो सैंडी सॉयल कंडीशन में भी मिलते हैं स्टूडेंट्स। क्लियर, समझ में आया? अब जैसे आप देखिए, हमने ब्रायोफाइट्स में पढ़ा था कि वो बिल्कुल पानी से, मैंने आपको बताया था कि पानी में लाइफ पहले आई फिर वो पानी से बाहर निकलनी शुरू हो गई लाइफ, ठीक है। तो अब टेरिडोफाइट्स भी ऐसे, सबसे पहले एल्गी पानी में, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट्स की टेरिडोफाइट्स भी जो है स्टूडेंट्स, वो भी वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। अब हम इन्हें एम्फीबियंस बोल सकते हैं, बट जैसे कुछ बच्चों ने चार्ट बॉक्स में भी लिखा कि इनको हम बोटानिकल स्नेक्स कहते हैं। क्यों इनको बोटानिकल स्नेक्स कहा जाता है? क्योंकि अगर हम एवोल्यूशन की बात करें स्टूडेंट, एवोल्यूशन में ये माना जाता है कि जिस टाइम पे अर्थ के ऊपर रेप्टाइल्स आए थे, उसी टाइम के ऊपर कौन आए थे? टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम टेरिडोफाइट्स को बोटानिकल स्नेक्स कहते हैं। एंड यू नो कि जो स्नेक्स होते हैं वो बिलोंग करते हैं रेप्टाइल्स को। क्लियर, समझ में आया? तो क्यों कहते हैं इन्हें बोटानिकल स्नेक? ये बात बिल्कुल सही है कि ये फर्स्ट प्लांट थे जिनके अंदर वेस्कुलर टिश्यू डेवलप हुआ। अभी इनके अंदर भी स्टूडेंट, अभी हम पढ़ने वाले हैं कि वेस्कुलर टिश्यू पूरा जैसे एंजियोस्पर्म में होता है वैसा नहीं हुआ था, बट एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट्स इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम बन गए थे। क्लियर, समझ में आया? सो दैट्स व्हाई टेरिडोफाइट्स आर फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स, ठीक है। फर्स्ट सक्सेसफुल क्यों बोला? क्योंकि यूजली स्टूडेंट्स यही सोचते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो गलती आपको नहीं करनी है कि हम इन्हें सक्सेसफुल इसलिए नहीं बोलते कि ये वाटर से इंडिपेंडेंट हो गए। हम इन्हें सक्सेसफुल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम फर्स्ट टाइम डेवलप हुआ है। क्लियर, समझ में आया सारे बच्चों को? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ देयर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, इनकी जो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट होती है, एंड दे नीड, यहां पे देखिए, दे नीड वॉटर फॉर फर्टिलाइजेशन, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो ज्योग्राफिकल रीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ये एनसीईआरटी लाइन है कि जो टेरिडोफाइट्स हैं उनका नैरो ज्योग्राफिकल रीजन होता है। क्यों होता है? दो रीजन है हमारे पास। पहला रीजन, स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, क्योंकि जो इनका गेमिटोफाइट होता है, वो हम बाद में जब गेमिटोफाइट बनेगा वहां पर भी ये पॉइंट रिपीट डिस्कस करेंगे, इसको कूल डैम्प शेडी प्लेसेस चाहिए होती हैं, और साथ में स्टूडेंट इसको वाटर चाहिए होता है। तो सेकंड रीजन, तो आपको अगर स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर आएगा बोथ वन एंड टू, ठीक है। आपको ये दोनों अगर ऑप्शन में दिए हो तो आंसर आएगा बोथ वन एंड टू। क्लियर, समझ में आया? देन द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। अब यहां पे स्टूडेंट ध्यान से सुनना है सारे बच्चों, में बहुत ही यूनिक सा फीचर बताऊंगा, थोड़ा डिफरेंटली सोचने वाला, आपको पता होगा, बट कई बार क्या होता है वो बच्चे नहीं सोचते और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, मतलब कि डिप्लॉइड, राइट, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स। अब यहां पे एक बात नोट करिए, जैसे मैं यहां पे ब्रायोफाइट्स के साथ कंपेयर करता हूं, ब्रायोफाइट्स में हमने पढ़ा था मेन प्लांट बॉडी गेमिटोफिटिक, टेरिडोफाइट्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक, राइट। ब्रायोफाइट्स में स्टूडेंट गेमिटोफिटिक बॉडी के ऊपर क्या बनता था, यहां पे देखिए, चलो हम यहां पे लिख के समझते हैं ताकि कोई बच्चा गलती ना करे ये वाली। देखो, ब्रायोफाइट में मेन प्लांट बॉडी कौन सी थी? गेमिटोफिटिक, जिसके ऊपर क्या बनता था? स्पोरोफाइट, राइट। अब अगर हम टेरिडोफाइट की बात करें, यहां पर मेन प्लांट बॉडी क्या है? स्पोरोफिटिक, बनेगा क्या? गेमिटोफिटिक। अब हमने स्टूडेंट्स ब्रायोफाइट में पढ़ा था, अगर हम ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में जो स्पोरोफाइट होता है वो गेमिटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट होता था, पैरासाइट होता था। क्लियर, मानते हैं सारे बच्चे ये चीज? तो यहां पर देखिए, जो गेमिटोफाइट है वो गेमिटोफाइट इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है। अब यहां पर इसके साथ रिलेट करिए कि ब्रायोफाइट्स में भी
जो गैमेटोफाइट था वो इंडिपेंडेंट ही था। ऐसा सा क्वेश्चन हमने लास्ट सेशन में किया भी था जो काफी बच्चों का गलत हो गया था। तो ध्यान से अभी इस चीज को समझिए तभी आप वो क्वेश्चन को सही कर पाओगे कि जो गैमेटोफाइट है वो चाहे ब्रायोफाइट्स है चाहे टेरिडोफाइट्स है दोनों में ही इंडिपेंडेंट होगा। क्योंकि हमें लगता है कि यहाँ पे स्पोरोफाइट बनते हैं ये देखो क्रॉस हो रहे हैं तो इस वजह से हम गलती कर जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट इंडिपेंडेंट है बट स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है। बट टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट तो इंडिपेंडेंट है ही गैमेटोफाइट भी इंडिपेंडेंट होगा। तो इसलिए स्टूडेंट ब्रायोफाइट्स का जो स्पोरोफाइट डिपेंडेंट है वो उसका यूनिक फीचर हो गया। समझ में आया क्लियर सारे बच्चों को? जल्दी से हार्ट बना दो वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। जल्दी से बच्चों ये पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर होना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमनली हर साल नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर्जन नैन्सी का क्लियर हो गया, क्या बात है क्या बात है। दीक्षा मानसी विनीता ग्रेट 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 गुड। तो ये पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है जी। अब देखिए दीज ऑर्गन पोजेस वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू। अब ये जो प्लांट्स हैं इनके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड वेस्कुलर टिश्यू बनता है। एवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू। सबसे पहले वेस्कुलर टिश्यू इसका मतलब किसमें आया? टेरिडोफाइट्स में आया। इसीलिए हमने इनको फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट्स बोल दिया था। और साथ में हमने एक टर्म भी पढ़ी थी स्टूडेंट्स की अगर किसी के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम आ जाते हैं तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? ट्रेकियोफाइट्स। सो दीज आर फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रेकियोफाइट्स भी तुम बोल सकते हो। क्लियर समझ में आया बच्चों? तो एवोल्यूशनरी दे आर फर्स्ट एस्ट्री प्लांट टू प्रोड्यूस वेस्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम ठीक है। अब यहां पर स्टूडेंट एक बात और कि क्या जो जाइलम होता है वो पूरा का पूरा आ जाता है? अब हम वो देखते हैं। जैसे देखिए जाइलम, जाइलम में स्टूडेंट्स कौन सी चीज एब्सेंट होती है टेरिडोफाइट्स में? जाइलम में स्टूडेंट कौन सी चीज एब्सेंट होती है? बिल्कुल सही, वेसल्स। जो वेसल्स हैं स्टूडेंट्स वो एब्सेंट होती है। जाइलम के चार कंपोनेंट होते हैं ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। तो जो टेरिडोफाइट्स हैं उनके अंदर वेसल्स एब्सेंट होती है ठीक है। अगर अब मैं बात करूं फ्लोएम की तो फ्लोएम में क्या एब्सेंट होता है? कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब की जगह क्या होता है? सीव सेल्स होते हैं। कंपेनियन सेल की जगह क्या होता है? एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। तो जाइलम एंड फ्लोएम बना चाहे बट पूरा का पूरा जो हायर प्लांट्स जैसे कि एंजियोस्पर्म में जितना डेवलप जाइलम फ्लोएम होता है उतना डेवलप जाइलम फ्लोएम टेरिडोफाइट्स में नहीं होता। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आया बच्चों? चलिए जी नेक्स्ट। यहां पे स्टूडेंट ये चीज आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये चीज समझ में आती है तभी आपको लाइफ साइकिल टेरिडोफाइट का क्लियर होगा। तो ध्यान से समझिएगा, मैं बिल्कुल स्लोली स्लोली आपको समझाऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाए क्योंकि बच्चों को इस चीज में कंसेप्ट ही नहीं क्लियर हो पाता। देखिए द लीव्स इन टेरिडोफाइट्स आर स्मॉल एज इन स्लेजिनेला और लार्ज एज इन फर्न्स ठीक है। मतलब कि स्टूडेंट जो लीव्स होते हैं टेरिडोफाइट्स के वो क्या हो सकते हैं? वो या तो स्मॉल होंगे, अगर स्मॉल होंगे तो हम बोलेंगे माइक्रोफिलस जैसे कि किसमें? सिलेजिनेला में ठीक है जी। और अगर हम बात करें लार्ज लीव की, लार्ज लीव को हमने बोला मैक्रोफिलस, वो किसमें होते हैं? फर्न्स में। अब फर्न्स के लीव स्टूडेंट लार्ज होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, इसीलिए तो हम फर्न्स को एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूज करते हैं। ये पॉइंट क्लियर? मतलब कि जो टेरिडोफाइट है उनके लीव्स दो तरह के हो सकते हैं, स्मॉल भी हो सकते हैं जैसे कि स्लेजिनेला में और लार्ज भी हो सकते हैं जैसे कि फर्न्स में। यहां तक क्लियर? अब उसके बाद द स्पोरोफाइट बियर स्पोरेंजिया दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल। अब देखो इस पॉइंट को ध्यान से समझिए। हमें पता है कि जो टेरिडोफाइट है उनके अंदर रूट,
स्टेम एंड लीफ बन चुके हैं। अब जो टेरिडोफाइट के लीफ हैं, उन लीफ के ऊपर क्या होता है स्टूडेंट, स्पोरेंजिया। और अगर स्टूडेंट्स लीव्स के ऊपर होता है स्पोरेंजिया तो हम उन लीव्स को क्या कहेंगे, स्पोरोफिल। क्लियर, यहां तक समझ में आया? तो अगर लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है तो आज के बाद हम उसे बोलेंगे स्पोरोफिल। स्टूडेंट्स ये टर्म्स आपको क्लियर होनी बहुत जरूरी है क्योंकि यही टर्म्स आगे फिर जिम्नोस्पर्म्स में आएंगी, फिर एंजियोस्पर्म में, और जो प्लस टू में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं उसमें फिर से जाके ये टर्म्स आती हैं। तो ध्यान से समझिए, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल कब बोलेंगे, अगर किसी लीफ के ऊपर क्या प्रेजेंट है, स्पोरेंजिया। राइट, चलिए जी, ओके। इन सम केसेस स्पोरोफिल में फॉर्म डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रॉबुलाई और कोन्स, जैसे कि सिलेजिनेला में, इक्यूसिटम में। अब सिलेजिनेला एंड इक्यूसिटम में क्या होता है स्टूडेंट, उसके अंदर जो स्पोरोफिल होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं कोन, या फिर तुम बोल सकते हो स्ट्रॉबुलाई। क्लियर, बट ये चीज किस में मिली हमें, सिलेजिनेला में या फिर इक्यूसिटम में। बट अगर हम बात करें फर्न्स की, फर्न्स के अंदर स्पोरोफिल का तो कुछ नहीं हुआ, बट यहां पर जो स्पोरेंजिया है उन्होंने ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप को हमने क्या बोल दिया स्टूडेंट, सॉरस, या फिर आप इसको बोल सकते हो सोराई। ठीक है, सॉरस या फिर सोराई। क्लियर, समझ में आया सारे बच्चों को? पर यहां पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो स्पोरोफिल है वो कोन नहीं बनाता, जो स्पोरोफिल कोन बनाएगा वो किस में बनाएगा, सिर्फ सिलेजिनेला में या फिर इक्यूसिटम में। क्लियर, समझ में आया जी बच्चों? यहां तक कितने बच्चों को क्लियर हो गया, मैं तभी आगे आपको बताऊंगा। अगर सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है जल्दी से बताओ, क्योंकि आगे पढ़ने का तभी फायदा होगा अगर सारे बच्चों को यहां तक क्लियर है। क्या बात है, क्या बात है, क्लियर है बच्चों को? चलो जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि रिपीट करना है। विशाल ठीक है, हम एक बार रिपीट भी कर लेते हैं, इसे बनाते हैं। देखिए चलो अब एक बार हम पढ़ते हैं। देखो जैसे कि मान लो हमारे पास क्या है, लीव्स है। ठीक है, हमने टेरिडोफाइट्स के केस में लीव्स को क्या बोला, स्पोरोफिल। क्या बोल दिया जी, स्पोरोफिल। क्यों बोला, क्योंकि इन लीफ के ऊपर क्या था, स्पोरेंजिया। ठीक है जी, स्पोरेंजिया। अब जो स्पोरोफिल है, स्पोरोफिल ने क्या बना लेते हैं, कोन्स या फिर स्ट्रॉबिलाई। ठीक है जी, कोन्स बनाया या फिर बनाया स्ट्रॉबिलाई, किसमें, सिलेजिनेला में एंड इक्यूसिटम में, सिलेजिनेला में एंड इक्यूसिटम में। ठीक है जी, सिलेजिनेला और इक्यूसिटम में क्या बन गया, कोन्स या फिर स्ट्रॉबिलाई। बट अगर हम स्पोरेंजिया की बात करें तो स्पोरेंजिया क्या करता है, वो ग्रुप बना लेता है, और ग्रुप बना किसका, सॉरस का, किसमें बना, फर्न्स में। यहां देखो, यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर। चलो जी अब इसके बाद देखिए क्या होने वाला है। अब देखिए हमारे पास क्या है, स्पोरेंजिया। ध्यान से समझना इसको, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको लाइफ साइकिल आराम से समझ में आ जाएगा। देखो जी, जो स्पोरेंजिया है स्टूडेंट्स वो किसके ऊपर है, लीफ के ऊपर। लीफ किसके ऊपर है, मेन प्लांट बॉडी के ऊपर। मेन प्लांट बॉडी क्या है, डिप्लॉयड है, स्पोरोफिटिक है, दैट्स वाई स्पोरेंजिया क्या होता है, 2N होता है, पहली चीज। अब स्पोरेंजिया के अंदर क्या होगा, SMC, दैट इज स्पोरोफिटिक मदर सेल। स्पोरोफिटिंग मदर सेल, अब स्पोरोफिटिंग मदर सेल भी क्या होंगे, 2N होंगे। अब स्टूडेंट्स जो स्पोरोफिटिंग मदर सेल है उनमें क्या हो जाएगी, मायोसिस, मायोसिस हो जाएगी, और मायोसिस होके क्या बनेंगे,
स्पोर्स बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे जो क्या होंगे, हैप्लोइड होंगे। और स्टूडेंट्स ये जो स्पोर्स हैं इनको हम एक और नाम भी देते हैं, मियोस्पोर, बिकॉज दीज स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मायोसिस। अगर मायोसिस के बाद स्पोर्स बनते हैं तो उनको हम बोलते हैं मियोस्पोर्स। तो हमारे पास जो लीफ थे, लीफ के ऊपर लगा हुआ था स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर थे स्पोरोफिटिंग मदर सेल, स्पोरोफिटिंग मदर सेल से मायोसिस होने के बाद हमारे पास क्या बन गया, स्पोर्स बन गए जी। समझ में आया जी, स्पोर्स बन गए। अब देखिए क्या होगा, अब ये स्पोर्स स्टूडेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से, होमोस्पोर्स, मतलब कि जो सारे स्पोर्स हैं वो सेम होंगे, एक ही तरह के होंगे, या फिर हेटेरोस्पोर्स, होमोस्पोर्स या फिर हेटेरोस्पोर्स। अब जो होमोस्पोर्स हैं स्टूडेंट वो हमें किसमें मिलते हैं, ड्रायोप्टेरिस में, टेरिस में, एडिएंटम में, इक्यूसिटम में, इक्यूसिटम भी आप कर सकते हो। तो ये देखो ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडिएंटम, ये सारे क्या हैं स्टूडेंट्स, ये सारे हैं फर्न्स, टेरेस्ट्रियल फर्न्स हैं ये सारे, जिनके अंदर हमें क्या मिलता है, होमोस्पोर्स मिलते हैं। और स्टूडेंट यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो सारे होमोस्पोरस होते हैं, ब्रायोफाइट्स सारे होमोस्पोरस होते हैं जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्रायोफाइट सारे होमोस्पोरस, टेरिडोफाइट होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, हेटेरोस्पोरस भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों, मजा आ रहा है क्या, बात है क्या बात है। अब देखिए हेटेरोस्पोरस, अब हेटेरोस्पोरस में भी हम देख लेते हैं एग्जांपल, सिलेजिनेला, सिलेजिनेला, अजोला, मार्सिलिया, ये जो स्टूडेंट अजोला है, मार्सिलिया है, ये एक्वेटिक फर्न है, ठीक है। एक्वेटिक फर्न के अंदर हमें कौन सी कंडीशन मिल रही है, हेटेरोस्पोरस, यहां पे हमें टेरेस्ट्रियल में कौन सी मिल रही है, होमोस्पोरस। क्लियर, यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, ठीक है जी, यहां तक स्टूडेंट आना समझ बहुत जरूरी है। अब यहां पे एक और पॉइंट फिर सुन लो इंपॉर्टेंट वाला, कि जो जिम्नोस्पर्म है, जो जिम्नोस्पर्म है स्टूडेंट्स वो होते हैं हेटेरोस्पोरस, जिम्नोस्पोरस होते हैं हेटेरोस्पोरस। ध्यान से समझिए, पहले ब्रायो, फिर टेरिडो, फिर जिम्नो, ब्रायो सारे होमोस्पोरस, जिम्नो सारे हेटेरोस्पोरस, और जो उनके बीच में स्टूडेंट टेरिडोफाइट्स होते हैं वो होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, वो हेटेरोस्पोरस भी हो सकते हैं। क्लियर बच्चों, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, मैं दोबारा से बता रहा हूं, लीफ जिनको हम स्पोरोफिल बोलते हैं उनके ऊपर स्पोरेंजिया होगा, स्पोरोफिल कोन और स्ट्रोबिला बना लेते हैं किसमें, स्लेजिनेला में, या फिर यू कैन से इक्विसिटम में, और जो स्पोरेंजिया है वो फर्न्स के अंदर सॉरस बना लेते हैं, राइट। उसके बाद स्पोरेंजिया डिप्लॉयड होगा, उसके अंदर स्पोर मदर सेल होंगे, वो भी डिप्लॉयड, उसके अंदर मायोसिस होने के बाद स्पोर बन जाएंगे। अब स्टूडेंट ये जो स्पोर्स हैं ये होमोस्पोर्स भी हो सकते हैं, हेटेरोस्पोर्स भी, होमोस्पोर्स ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडिएंटम, और अगर हम हेटेरोस्पोर्स की बात करें दैट इज लेजिनेला, अजोला एंड मार्सिलिया। क्लियर बच्चों, जल्दी से, ठीक है पुष्पिंदर ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ बच्चे स्क्रीनशॉट के लिए कह रहे हैं, क्या बात है, ज्योत्सना ने कहा सर क्रिस्टल क्लियर डेयरी मिल्क, क्या बात है, सिल्क क्लियर, गुड गुड गुड, ओके जी। तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया, अब हम इसके बाद पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा सारा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाना, आपको पता भी नहीं चलना चुटकी में बातों बातों में हमारा ये सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाना है, यहां तक क्लियर। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे सब एक बात हम अगली स्लाइड पर लेके जाएंगे, यहां पे कि जो स्पोरोफाइट था उसके ऊपर स्पोर बन गए, ठीक है, कौन से, होमो भी हो सकते हैं, हेटेरो भी हो सकते हैं।
राइट, इन दोनों को हमने मियोस्पोर बोल दिया, ठीक है जी। चलिए जी, इसके बाद अब देखिए, जो स्टूडेंट्स हमारे पास मियोस्पोर क्या होते हैं, हैप्लॉयड, हमें पता है क्योंकि वो आफ्टर मायोसिस बनते हैं। अब जो ये जो मियोस्पोर्स हैं स्टूडेंट, ये मियोस्पोर्स क्या बना लेंगे, गेमिटोफाइट बनाएंगे, ठीक है जी। गेमिटोफाइट बना, मुझे बताओ गेमिटोफाइट की प्लॉइडी क्या होगी, जल्दी से गेमिटोफाइट की प्लॉइडी क्या होगी, एन या फिर टू एन, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही, क्या बात है, छागे गुरु छागे, गेमिटोफाइट की प्लॉइडी भी होगी एन, क्योंकि वो किससे बने हैं, मियोस्पोर से, तो गेमिटोफाइट भी हुआ एन। अब यहां पे स्टूडेंट एक ट्रिक आ जाती है, क्या ट्रिक आ जाती है, वो अगर तो होमोस्पोरस कंडीशन थी, अगर तो स्टूडेंट होमोस्पोरस कंडीशन थी, तो हमारे पास जो गेमिटोफाइट बनेगा वो मनोशियस बनेगा। अगर होमोस्पोरस कंडीशन है तो हमारे पास जो गेमिटोफाइट बनेगा वो होमोस्पोरस बनेगा, मतलब क्या हुआ कि उसी गेमिटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन, उसी गेमिटोफाइट के ऊपर फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे जी, ठीक है। ऋतिक प्रोथैलस बनेगा, बट प्रोथैलस क्या होता है वो भी बाद में डिस्कस करते हैं, अभी आप जनरल समझो पहले, एक बार आपको जनरल समझ में आ गया फिर वो प्रोथैलस, वो तो जो हम फांस के केस में पढ़ते हैं वो तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, यहां पर आप बिल्कुल जनरल समझो कि हो क्या रहा है। अगर स्टूडेंट्स हेटेरोस्पोर्स होंगे तो हमारे पास जो गेमिटोफाइट बनेगा वो डायोशियस बनेगा, अगर हेटेरोस्पोरस होंगे तो हमारे पास गेमिटोफाइट डायोशियस बनेगा, क्लियर, समझ में आया बच्चों। अब देखिए हमारे पास बन गया गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं स्टूडेंट, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और स्टूडेंट्स टेरिडोफाइट के केस में जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे से होंगे, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड, मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। अब मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा स्टूडेंट, जल्दी से बताइए, मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा, एंथीरिडियम। फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन के लिए मैं सिंबल बना रहा हूं, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम, ठीक है जी, याद है, क्लियर बच्चों, मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन में क्या बनेगा, मेल गेमीट, ठीक है, या फिर हम इसको सीधा ही लिख लेते हैं एंथेरोजॉइट, नाम लिख लेते हैं हम सीधा एंथेरोजॉइट, आर्किगोनिया में क्या बनेगा, एग, ठीक है। यहां पर स्टूडेंट आपको एक बात याद रखनी है कि यहां पर जो एंथेरोजॉइट बनता है टेरिडोफाइट्स के केस में वो मल्टीफ्लैजलेट होता है, मल्टीफ्लैजलेट होता है, हमने ब्रायोफाइट्स के केस में पढ़ा था वो बाइफ्लैजलेट था। एग यहां पे भी वही सेम, सारे बच्चों को याद होगा, जो बच्चे रेगुलर सेशंस में आ रहे हैं सारे बच्चों को याद होगा, हमने पढ़ा था एनसीसी वीसीसी क्या हो जाएंगे, डीजनरेट, एनसीसी वीसीसी डीजनरेट होंगे, म्यूसिलेज बनेगा, म्यूसिलेज क्या करेगा, पानी को अब्सॉर्ब कर लेगा, पानी को अब्सॉर्ब करने के बाद प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होने के बाद जो लिड सेल्स है वो टूट जाते थे, जिस वजह से स्टूडेंट्स वो जो म्यूसिलेज था वो बाहर आ जाता था, और उस म्यूसिलेज में क्या होते थे, केमिकल्स, और फिर वो केमिकल्स मेल गेमीट को अट्रैक्ट कर लेते थे, और मेल गेमीट्स को अट्रैक्ट होने के बाद स्टूडेंट्स क्या हो जाती थी हमारे पास, फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते थे, जूआइडोगैमी, क्लियर स्टूडेंट, जूआइडोगैमी। अब जूआइडोगैमी के बाद हमारे पास क्या बना, जाइगोट बना 2n, जाइगोट के बाद क्या बना,
एम्ब्रियो बना, 2N, देखो यहां पर भी एम्ब्रियो बन रहा है, इसीलिए हम इन्हें एम्ब्रियोफाइट भी बोल लेंगे। एम्ब्रियो के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा, स्पोरोफाइट 2N, जो हमारे पास मेन प्लांट बॉडी होती है, जो हमारे पास मेन प्लांट बॉडी होती है। क्लियर? गोपाल नहीं, पोटाशियम और प्रोटीन्स नहीं होते केमिकल्स, यहां पे अलग होते हैं, कुछ केसेस में मैलिक एसिड होता है, कुछ केसेस में सिट्रिक एसिड होता है, वैसे इतनी डिटेल आपको करने की जरूरत नहीं है। मैलिक एसिड वैसे मैं आपको बता देता हूं, ड्रायोप्टेरिस में होता है, स्लेजिनेला में होता है, ठीक है, सिट्रिक एसिड लाइकोपोडियम में होता है, बट इतना करने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी बेस्ड ही हम रखते हैं। बट ये मैं सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप एनसीईआरटी को डायरेक्ट पढ़ के समझोगे तो आप उस आपको क्रैम करना पड़ेगा, बट अगर आपको ये सारा कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको 2 सेकंड के अंदर एनसीईआरटी याद हो जानी है। ठीक है, क्लियर? ओके ओके, ठीक है, मैं कलर कोई और यूज करता हूं। यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया जी? तो एक बार जल्दी से, गेमिटोफाइट, गेमिटोफाइट के ऊपर एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनिया, अगर वो मनोशियस गेमिटोफाइट है तो मनोशियस गेमिटोफाइट के ऊपर, एक ही गेमिटोफाइट के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, वो क्या बनाएंगे, मेल गेमिट, फीमेल गेमिट, फिर वो सारी प्रोसेस हमारी सेम एनसीसी वीसीसी डिजेनरेट वगैरह होंगे, और उसके बाद जूआइडोगैमी होगी, जूआइडोगैमी के बाद फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद हमारे पास स्पोरोफाइट बन जाएगा और वो हमारी मेन प्लांट बॉडी होती है, डिप्लॉइड। क्लियर? तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। डन? चलो जी, हो गया बेटा सारों का डन हो गया। चलो जी, अब हम एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ते हैं कि एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, ताकि आप देखते हैं हमें वो समझ में आ रहा है। अब देखिए एनसीईआरटी, सारे बच्चों के पास एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी अपने पास रखा करो हमेशा, ठीक है, एनसीईआरटी आपके पास होनी चाहिए। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मायोसिस इन स्पोर मदर सेल्स, जो स्पोरेंजिया होते हैं वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं बाय मायोसिस इन स्पोर मदर सेल। अब देखो अगर आपको वो सारा लाइफ साइकिल क्लियर है, जनरल लाइफ साइकिल क्लियर है, तो आपको ये लाइनें कितनी इजी लगेंगी। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मायोसिस इन स्पोर मदर सेल, हमें पता है, बिल्कुल पता है, क्लियर है। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ स्पोर्स, टेरिडोफाइट्स आर ऑफ 2 टाइप्स, होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस। समझ में आ रहा है? देखो कितना इजी लग रहा है, अगर आपको वो सारी चीजें क्लियर है। अब उसके बाद हम देखते हैं होमोस्पोरस क्या होता है। इन मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट, जैसे कि उनमें ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड, मेजॉरिटी, ये चीज याद रखनी है स्टूडेंट, होमोस्पोरस हेटरोस्पोरस, टेरिडोफाइट में कौन सी कंडीशन कॉमन होती है, होमोस्पोरस, ठीक है। ब्रायोफाइट्स तो सारे होमोस्पोरस थे, जिम्नोस्पर्म सारे हेटरोस्पोरस थे, बट जो हमारे पास टेरिडोफाइट है वो ज्यादा होमोस्पोरस होते हैं, ठीक है। प्लांट्स प्रोड्यूस सिंगल टाइप ऑफ स्पोर विच डिवेलप इनटू बाइसेक्सुअल, यहां पे आप बाइसेक्सुअल बोल सकते हो, बट ज्यादा बेटर है मनोशियस, ठीक है। गेमिटोफाइट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, जैसे कि ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम एंड इक्यूसिटम। क्लियर? समझ में आया? यहां पे हम इसका निमोनिक बना सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हो, पीड, पीड से याद रख सकते हो, ठीक है, पीड से याद हो जाएगा, टेरिस, इक्यूसिटम, एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, ठीक है, पीड से याद हो जाएगा। तो पीड सारे बच्चे लिख दो जल्दी से चैट बॉक्स में, ताकि सारे बच्चों को याद हो जाए कौन से टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। पीड, पीड मींस टेरिडो, टेरिस, इक्यूसिटम, एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस। क्लियर बच्चों, याद हो गया होमोस्पोरस। चलिए जी अब हम करते हैं हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस में हमें पता ही है क्या होने वाला है। अब प्लांट्स इन विच स्पोरोफाइट प्रोड्यूस 2 kinds of spores, that is macro and micro, और उस चीज को हम क्या बोलेंगे, heterosporous,
हेटेरोस्पोरस बोला जाएगा स्टूडेंट, स्लेजिनेला मार्सिलिया साल्विनिया, स्लेजिनेला मार्सिलिया साल्विनिया, ठीक है। इसमें हमने एक और एग्जांपल भी करी थी, आप वो भी ऐड कर लेना, अजोला, ठीक है। तो ये चार एग्जांपल हैं स्टूडेंट हेटेरोस्पोरस में। और यहां पर क्या बात है, बच्चों ने पहले ही लिख दिया, वैसे सही बात है, हमारे पास यहां पे बन जाएगा एस एम एस, यहां पे ए, एस एम एस ए, ठीक है, एस एम एस ए यहां पे याद हो जाएगा हमारे। क्या बात है, क्या बात है, ये किस बच्चे ने बनाया, काफी बच्चों ने एक बड़ा अच्छा और भी बनाया। देखो बेटा, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। आप अपने आप भी निमोनिक क्रिएट कर रहे हो, क्या बात है बेटा, वेरी गुड, आज तो क्लैपिंग बनती है फ्रॉम द हार्ट। बस इसी तरह से ही हमें पढ़ना है। अगर तुम ऐसे पढ़ने लग गए ना, मैं गारंटी देता हूं आप देखना सी अगले साल सिलेक्शन पे सिलेक्शन, धड़ाधड़ सिलेक्शन निकाल देनी है हमने वेदांतु से, ठीक है। क्या बात है, वेरी गुड, दिल खुश कर दिया आज तो आपने, ग्रेट ग्रेट। तो इसी तरीके से स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। अगर आप ये करने लग गए ना, फिर तो आपकी सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। यूजली हम क्या करते हैं, हम क्राम कर लेते हैं चीजों को, क्राम नहीं करना, ट्रिक्स बना लो उसे याद करने की, ठीक है। चलो जी, गुड गुड गुड। तो यहां तक सारे बच्चों को क्लियर हो गया, चलिए जी। उसके बाद लाइफ साइकिल, अब जो हमने पढ़ा मैं उस सारा आपको यहां पे थ्योरी में लिखा हुआ है वो समझा रहा हूं, तो आप बताना मुझे एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा है आपको। द स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्सपिकियस, यहां पे ये वर्ड एनसीईआरटी का स्टूडेंट आपको याद रखना है, इनकॉन्सपिकियस का मतलब होता है बहुत ही छोटा सा, ठीक है। इनकॉन्सपिकियस स्मॉल, मल्टीसेलुलर तो होगा ही, फ्री लिविंग भी होगा, मोस्टली फोटोसिंथेटिक। देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहा है फ्री लिविंग, तो मतलब कि जो गेमिटोफाइट है वो फ्री लिविंग है जी। थैलोइड है, थैलोइड भी आ गया, थैलोइड का मतलब क्या बोला था, जिसमें रूट स्टेम लीव्स नहीं होते। अब आप देखना, जैसे अब हम मेंटी जब करते हैं तो कई बच्चे बोल रहे थे कि वो मेंटी में सेंटी हो गए थे, तो देखो मेंटी में आप सेंटी कैसे नहीं हो गए। अब मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूं, आप बताना मुझे ट्रू है कि फॉल्स है। द बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स, द मेन बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। जल्दी से बताओ ट्रू और फॉल्स, द मेन बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। ट्रू, बिल्कुल सही, क्या बात है, सारे बच्चों ने सही बता दिया, ट्रू, ठीक है। अब देखना, मैं सेम स्टेटमेंट बोलूंगा, बस एक चीज चेंज करूंगा और उसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। कैसे, अब आप देखना, द गेमिटोफिटिक बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। सिर्फ मैंने मेन की जगह गेमिटोफाइट लगा दिया, द गेमिटोफिटिक बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू रूट स्टेम एंड लीव्स। तो बच्चे क्या करते हैं, ट्रू लगा देते हैं स्टेटमेंट को, वो जल्दी जल्दी में देखते ही नहीं है। यही तो हमें देखना है, यही तो स्मार्ट वर्क हमारा इन कॉम्पिटिशन एग्जाम में चेक किया जाता है। अब यहां पे गेमिटोफाइट अगर हमें पता है स्टूडेंट, ये याद रखना, कोई भी ऐसा सा प्लांट नहीं है जिसका गेमिटोफाइट होगा जिसमें रूट स्टेम लीफ बनेंगे, किसी का भी नहीं होगा। तो यहां पर भी जो देखिए गेमिटोफाइट है वो थैलोइड है, मतलब यहां पर भी रूट स्टेम लीव्स नहीं बनेंगी। क्लियर, समझ में आया। और उसके बाद इसी गेमिटोफाइट को हम क्या बोलते हैं, प्रोथैलस, ठीक है। अगर अब आपको, अच्छा मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, बताओ, इसमें लॉजिकल मत सोचना, पीजे आने वाला है अब, क्या पीजे है, ऐसा कौन सा प्लांट है पूरे प्लांट किंगडम में जिसका गेमिटोफाइट सबसे प्यारा होता है, जो इतना प्यारा होता है जैसा सा हार्ट तुम चैट बॉक्स में भेजते हो उतना प्यारा होता है, सबसे प्यारा, जल्दी से बताओ, सबसे प्यारा गेमिटोफाइट किसका होता है, ब्यूटीफुल लविंग टेरिडोफाइट, अरे टेरिडोफाइट तो बोला बट स्पेसिफाई करो किसका, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बताइए, सबसे प्यारा सारे बच्चे टेरिडोफाइट्स बोल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं, हार्ट शेप, हार्ट शेप गेमिटोफाइट किसमें होता है स्टूडेंट्स,
ड्रायोप्टेरिस में, ड्रायोप्टेरिस में क्यों होता है, क्यों हम बोलते हैं, क्यों मैंने बोला सबसे प्यारा, बिकॉज दैट इज लुक लाइक दिस, कुछ ऐसा सा होता है, हार्ट शेप होता है, और हार्ट ही तो सबसे प्यारा होता है, लव होता है, है ना, ये हार्ट के ही तो सारे पंगे हैं, है ना, जिसकी वजह से किसी को सैड सॉन्ग सुनने पड़ जाते हैं, यही वो हार्ट है, और उसी हार्ट शेप का क्या होता है, प्रोथैलस इन ड्रायोप्टेरिस, समझ में आया, तो स्टूडेंट इससे आपको हमेशा याद रहेगा, अगर आपसे पूछा जाता है हार्ट शेप गेमिटोफाइट इज प्रेजेंट इन, तो आप अगर ऑप्शन में टेरिडोफाइट है तो टेरिडोफाइट, नहीं तो फिर आप क्या मार्क करोगे, ड्रायोप्टेरिस, क्लियर, समझ में आया, और या फिर आप फर्न्स भी कर सकते हो, अगर ऑप्शन में फर्न्स हुआ ना, इन दोनों को छोड़ के फर्न्स हुआ, तो आप फर्न्स भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर जी, चलिए जी, यहां तक बच्चों को क्लियर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमिटोफाइट रिस्पेक्टिवली, अगर दो तरह के स्पोर्स बन रहे हैं तो हमें पता था फिर क्या होगा, डायोशियस गेमिटोफाइट बनेगा, अलग अलग बनेंगे, दीज गेमिटोफाइट रिक्वायर, देखो ये फर्स्ट वाला पॉइंट दोबारा आ गया, अब ये स्टूडेंट जो गेमिटोफाइट है इसको कैसी सी कंडीशन चाहिए, इसको चाहिए कूल डैम्प एंड शेडी कंडीशन, पहला रीजन तो ये हुआ, दूसरा रीजन इस गेमिटोफाइट के ऊपर क्या पड़ा है, इसके ऊपर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन पड़े हैं, तो इसका मतलब मेल गेमिट को पानी की जरूरत है, तो इसका मतलब इसको पानी की जरूरत है फॉर फर्टिलाइजेशन, दैट्स व्हाई स्टूडेंट्स जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उनकी नैरो ज्योग्राफिकल लिमिटेड होती है, ठीक है जी, समझ में आया बच्चों, मजा आ रहा है, इजी लग रहा है, वो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं, अगर आप ध्यान से समझोगे अभी सेशन आप लगाने के बाद, आज अगर इसे एक बार भी रिवाइज कर लोगे ना तो मैं गारंटी देता हूं बिल्कुल ही भूल सकते, ठीक है, चलो जी, द गेमिटोफाइट बियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड एंथ्रीडी एंड आर्किगोनिया, ये तो हमें पता लग ही गया, अब उसके बाद वॉटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइट, वॉटर की रिक्वायरमेंट होती है टेरिडोफाइट्स में भी, द मेल गेमिट रिलीज्ड फ्रॉम एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल विद द हेग इन द आर्की, इन द देखो इन द आर्किगोनिया मीन्स कौन सी फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, जाइगोट देयरफॉर प्रोड्यूसेस अ मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड, आ गया वर्ड वेल डिफरेंशिएटेड, मतलब स्पोरोफाइट के ऊपर रूट स्टेम और लीव्स सारा कुछ होगा, विच इज द डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट्स, कितने बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया, जो भी सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं मैंने एक एक पॉइंट कवर कर दिया, जल्दी से जितने बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा प्रोथैलस के जैसा हार्ट भेज दो, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, ग्रेट, चलो जी, तो स्टूडेंट्स अब हम जो भी हमने पढ़ा उसको हम लाइफ साइकिल की फॉर्म में एक बार उसका फ्लो चार्ट देखते हैं, ठीक है, लाइफ साइकिल की फॉर्म में, ये देखिए कितना ऑसम आपके लिए बनाया गया है, तो जल्दी से हम एक बार इसे देखते हैं कि ये क्या है, तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस क्या है स्टूडेंट, ये एक फर्न है, ठीक है, तो यहां पर मैं जो भी बातें करूंगा तो वो फर्न के रिस्पेक्ट में होंगी, बट हम एग्जांपल किसकी ले रहे हैं, ड्रायोप्टेरिस की, अब स्टूडेंट्स अगर हम ड्रायोप्टेरिस की बात करें तो मैं आपको यहां पे थोड़ा सा माइनर सा एक एक्स्ट्रा दो एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूं कि जो ड्रायोप्टेरिस होते हैं ना उसमें भी राइजोम बनता है, राइजोम बना फिर इस तरीके से ना उसके ऐसे करके लीव्स होते हैं, ये देखिए ये लीव्स है, और यहां पे ना एक बड़ी अलग सी चीज देखने को मिलती है, इस तरीके से क्वाइलिंग हो जाती है, ये देखिए ऐसे करके जो इसके यंग लीव्स हैं वो क्वाइलिंग शो करते हैं, और इस क्वाइलिंग को हम बोलते हैं सरसीनेट टैक्सिस, टैक्सिस होता है फोल्डिंग होना लीफ की, तो दिस इज सरसीनेट टैक्सिस, ठीक है, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा,
थोड़ा सा एक्स्ट्रा है बट इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। वैसे नीट में तो बहुत रेयर आए, बट अगर आप कोई भी और एग्जाम देते हो तो उसमें ये पूछा जा सकता है। तो इसलिए मैंने बस आपको एक्स्ट्रा बात बताई, दो चीजें बस याद रख लो, एक तो राइजोम बनता है डायोप्टेरिस में, फर्न्स में, साथ में इसके जो यंग लीव्स हैं वो फोल्ड हो जाते हैं, जिसको हम सर्सिनेट टायक्सिस बोलते हैं, राइट। अब देखिए डायोप्टेरिस के ऊपर क्या होगा, स्पोरोफिल, स्पोरोफिल क्या है, लीव्स, उन लीव्स के ऊपर क्या होंगे, सोराई। फर्न्स की केस में मैंने बताया था सोराई होते हैं, सोराई किसका ग्रुप था, स्पोरेंजिया का। अब देखो यहां पर ये भी 2N, ये भी 2N, स्पोरेंजिया भी 2N, तो स्पोरोफिटिंग मदर सेल भी क्या हो गए 2N। स्पोरोफिटिंग मदर सेल में स्टूडेंट यहां पर क्या हो गई, मायोसिस हो गई, और मायोसिस होने के बाद क्या बने, स्पोर्स बने, ठीक है जी। यहां पे स्पोर्स बने और ये क्या होंगे, हैप्लोइड होंगे, एन होंगे, क्यों, क्योंकि मायोसिस के बाद बने हैं। अब ये स्पोर्स क्या बनाएंगे, प्रोथैलस, प्रोथैलस क्या होता है, गेमिटोफाइट होता है, ये भी क्या होगा, एन। प्रोथैलस के ऊपर देखिए एक होगा एंथ्रीडियम, एक होगा आर्किगोनियम, एंथ्रीडियम ने बनाया स्पर्म, आर्किगोनियम ने बनाया एग, दोनों की फर्टिलाइजेशन हो गई जी। फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास 2N क्या बन गया, जाइगोट, उसके बाद बना 2N एम्ब्रियो, और उससे फिर से दोबारा से हमारा स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो यहां पे नीचे देखिए ये सारा पार्ट जो है वो हैप्लोइड है, मतलब गैमेटोफिटिक जनरेशन है, बट अगर हम ऊपर वाले सारे पार्ट की बात करें तो वो डिप्लॉयड है, मतलब दैट इज स्पोरोफिटिक जनरेशन, क्लियर। चलो जी यहां तक आई होप सारे बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा लाइफ साइकिल। तो अब एग्जांपल्स क्या है टेरिडोफाइट्स की, सिलेजिनेला, साल्विनिया, इक्यूसिटम, टेरिस, ये चार एग्जांपल्स हैं, सिलेजिनेला, साल्विनिया, इक्यूसिटम एंड टेरिस, राइट स्टूडेंट्स। चलिए जी ये देखिए यहां पे वो कॉइलिंग दिखाई हुई है जो मैंने आपको, और यहां पे देखिए दिख रहे हैं आपको स्पोरेंजिया कोन्स, ठीक है। चलो जी तो स्टूडेंट्स आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट काफी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आपने तो रामायण वाली बात बोली थी वो बताओगे क्यों, देखो बताने को मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं या फिर कल ही बताऊं, क्योंकि कल हम उस चीज के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो मैं कल ही बताऊंगा आपको, ठीक है। आज आप एक दिन वेट रखिए, आप सर्च करना कि वो हनुमान जी किस चीज को लेने गए थे, कौन सा वो प्लांट है, तो आप उसको सर्च करके रखना, हम कल उसको डिटेल में पढ़ेंगे। गोपाल पहले ही नहीं बोलना, वो मैं बताऊंगा, तूने पहले ही बताई जा रहा है, पहले नहीं बताना, वो मुझे बताने देना, ठीक है। जो भी तू बोल रहा है वो सही है, बट बताना नहीं है ऐसे सबसे पहले, ठीक है, वो हम कल पढ़ेंगे, वो मेरा प्रॉमिस है, मैं तुम्हें कल उसके बारे में बताऊंगा, इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना उसके बारे में, सारे पॉइंट्स हम कल डिस्कस करेंगे। तो हम जल्दी से अब हम क्या करते हैं, एक बार क्विज करते हैं। तो जल्दी से स्टूडेंट, आपको पता है हम कैसे हर बार करते हैं, आपको हर क्वेश्चन का आंसर उसके नंबर के साथ लिखना होता है। विच ग्रुप डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फ्री वॉटर, जल्दी से बताइए। पिक्सल, विनीता, आशीष, क्या बात है, बच्चों ने सही बताया, एल्गी, मॉसिस एंड फर्न्स, ये तीनों ग्रुप हैं स्टूडेंट्स जो वाटर के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर द फर्टिलाइजेशन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन इन फर्न्स, मेल गैमेट रीचेस द फीमेल गैमेट थ्रू द एजेंसी ऑफ, जो मेल गैमेट है वो फीमेल गैमेट तक किसकी हेल्प से जाता है, मेघा, गोपाल, अंकिता, जानवी, तनिका, सारे बच्चों ने सही बताया है, बिल्कुल वाटर की हेल्प से, इसका मतलब सारे बच्चे ध्यान से सेशन सुन रहे थे और उनको सारे कंसेप्ट क्लियर हो गया, गुड। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड इज रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन बिकॉज ऑफ, ये तो आज हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया, जल्दी से बताइए। गोपाल, सौम्या, मेघा, क्या बात है, दीक्षा, अंकिता,
बिल्कुल सही बोथ ए एंड बी, क्योंकि हमें पढ़ा गेमिटोफाइट ग्रोज नीड कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. इन टेरिडोफाइट अ स्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस. टेरिडोफाइट में जो स्पोर होता है वो जर्मिनेट करके क्या बनाता है? विनीता ने सबसे पहले बताया, बिल्कुल सही. नीलकंत ने, सिया ने, सिया गलत हो गया आपका, गणेश. तो स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल सही जो आंसर है दैट इज सी, प्रोथैलस. जो स्पोर है वो जर्मिनेट करने के बाद गेमिटोफाइट बनाता है और हम टेरिडोफाइट्स में गेमिटोफाइट को प्रोथैलस बोलते हैं. राइट स्टूडेंट्स. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से. इन टेरिडोफाइट द मेन प्लांट बॉडी इज डैश विच इज डैश इनटू टू रूट स्टेम एंड लीव्स. तो वन एंड टू की जगह क्या आएगा, जल्दी से बताइए. दीक्षा ने बिल्कुल सही बता दिया, गोपाल ने, अंकिता ने, रिधि ने, विनीता ने, क्या बात है क्या बात है, नैन्सी ने, गुड, बिल्कुल सही. जो टेरिडोफाइट की मेन प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, जो डिफरेंशिएटेड होती है ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन. हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट ऑलवेज प्रोड्यूस. जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट होगा वो हमेशा क्या बनाएगा, जल्दी से बताइए. गोपाल ने सही बता दिया, विनीता, सौम्या, दीक्षा, क्या बात है आज तो आप सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हो. डायोशियस गैमिटोफाइट. अब आप बच्चे बिल्कुल सही समझ गए हो, अच्छे से पढ़ने लग गए हो, गुड. अब हमें इसी तरीके से पढ़ना है और इस बार जो हमारा मेंटी होगा वो आपको सेंटी नहीं करेगा, वो हमें आपको खुश कर देगा, खुश. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ जल्दी से. प्रोथैलस रिप्रेजेंट. प्रोथैलस क्या होता है, गेमिटोफाइट होता है या स्पोरोफाइट होता है, किसमें होता है, फर्न्स में होता है या फिर जिम्नोस्पर्म्स में होता है? बिल्कुल गेमिटोफाइट होता है. जानवी, मेगा, तरंग, बिल्कुल सही, क्या बात है क्या बात है. चलो जी बिल्कुल सही, गेमिटोफिटिक फेस इन अ फर्न, राइट. चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन. इन विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू प्लेस द प्लांट्स हैविंग वेस्कुलर टिश्यू लैकिंग सीड्स. अगर आपके पास एक प्लांट है जिसमें वेस्कुलर टिश्यू तो है बट उसमें सीड्स नहीं है, तो आप उसको किस में रखेंगे, एल्गी में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट में या फिर जिम्नोस्पर्म्स में? बिल्कुल सही, क्या बात है क्या बात है. आज तो सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, सारों का नाम लेना पड़ना मुझे. बिल्कुल सही, क्या बात है, टेरिडोफाइट्स में, राइट. चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन. इन टेरिडोफाइट द डोमिनेंट जनरेशन इज. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ. टेरिडोफाइट में डोमिनेंट जनरेशन कौन सी होती है, हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड या फिर स्पोरोफिटिक बोल सकते हैं हम इसे, क्या बात है. नाइन्थ का सी, डिप्लॉइड होती है, स्पोरोफिटिक होती है, गुड. लास्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्कुलर क्रिप्टोगैम. अब यहां पे स्टूडेंट ग्रुप का नाम नहीं दिया हुआ, यहां पे ग्रुप के एग्जांपल्स दी हुई हैं, तो आप देखिए ढूंढिए वेस्कुलर क्रिप्टोगैम कौन सा ग्रुप होता है और उस ग्रुप में की कौन सी एग्जांपल है. क्या बात है छागे आज तो. वेस्कुलर क्रिप्टोग्राम स्टूडेंट्स कौन होते हैं, टेरिडोफाइट इनमें से कौन सा है, दैट इज इक्यूसिटम. ठीक है, इक्यूसिटम टेरिडोफाइट है, क्या बात है, वेरी गुड क्या बात है. आज तो भाई तुम लोगों के लिए बहुत ही क्लैपिंग बनती है, वेरी गुड, मजा आ गया आज तो, पढ़ाने का अल्टीमेट मजा आ जाया है. सारे बच्चों ने इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स किया और इतना अच्छे से, और वो मास वाला निमोनिक बना लिया बच्चों ने, क्या बात है. स्मार्ट वर्क भी था, इंटेलिजेंसी भी थी, क्या बात है, मजा आ गया, ग्रेट. अब तो मुझे लगता है कि मैं भी आपकी तरह बड़ा मिस करूंगा नेक्स्ट टाइम, कि कब आया करेगा प्लस वन हमारा 2022 बैच का सेशन. ठीक है चलो जी. सो बच्चों इसका आंसर आपको पता ही है और ये चीज तो आज आपने बिल्कुल प्रूफ कर दी. Of course, we are awesome because we are
डॉक्टर्स. क्लियर? चलो जी जल्दी से डॉक्टर्स हार्ट इन द चैट बॉक्स. क्या बात है, क्या बात है. सो स्टूडेंट्स, अभी भी जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए. अब बच्चों आज आपने इतनी खुशी दी है, मजा ला दिया आज तो आपने, तो आप एक तो ये बनता है, एक तो लाइक कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर होनी चाहिए. सारे बच्चों को पता लग जाना चाहिए कि हम कितने अच्छे से कितने मजे के साथ पढ़ रहे हैं. और जो वेदांतु हमेशा कहता है कि अगर समझ आएगा तो मजा आएगा और अगर मजा आएगा तो समझ आएगा, तो आज हमने उस चीज को प्रूफ किया. और मैं यही चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ताकि सबको पता चले कि हम कितने अच्छे से मजे के साथ समझते हैं चीजों को. क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए. सो स्टूडेंट्स, जिन भी बच्चों ने अभी तक हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको नहीं ज्वाइन किया वो जल्दी से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. और ये हमारी वेदांतु की ऐप है, इसे आपको डाउनलोड कर लीजिए. अल्टीमेट ऐप है स्टूडेंट्स, बिलीव मी, अल्टीमेट ऐप. क्लियर? राइट स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, आई होप आज का सेशन आपको बहुत मजा आया होगा. मेरे को तो बहुत मजा आया आज पढ़ा के, मजा आ गया आज तो. ठीक है, आई होप आपको भी आया होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो आज अभी सारे बच्चों ने क्या करना है, सेशन सुनने के बाद एक बार जल्दी से एनसीईआरटी पढ़ लेनी है, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कर लेना. थोड़ा सा हमारा टेरिडोफाइट रहता है, स्लेजिनेला हमारा रहता है. हम नेक्स्ट जो हमारा सेशन है उसमें स्लेजिनेला करेंगे, उसका लाइफ साइकिल करेंगे और उसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक फीचर्स मैं आपको बताऊंगा. क्लियर स्टूडेंट्स? सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन. In our next session, we will continue with the Sleginella. Till then, a very happy learning and have a good day. So, student, bye-bye. Thank you. God bless you.